वालेकुम दोस्तों आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साथियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर आ रही है कतर रेड क्रैसेंस सोसाइटी के तरफ से आ रही कतर रेड क्रैसन सोसाइटी की तरफ से साथियों कल के दिन वहाँ पे चौदह हज़ार हॉट मिल और चार हज़ार वहाँ पे फूड पार्सल को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया खान यूनिस एरिया में जो साउथ गाजा स्ट्रीप में पड़ता है यानी गाजा में दो तो दोपहर जितने भी प्रभावित एरिया हैं उन सभी जगहों पर लगभग अट्ठारह खाने के पैकेट्स को वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कतर रेड क्रैशन सोसाइटी की तरफ से तो वीडियो के सुनकर दोस्तों जो फोटो वगैरह आप देख रहे हो जो कि वहाँ पर कतर रेड क्रैसन सोसाइटी की संस्था के जो लोग हैं वो लगातार खाना वगैरह को पैकिंग कर

खास तौर पे इसराइल और अमेरिका के तरफ से क्योंकि दोस्तों इसराइल और अमेरिका ही मिलके जो है फिलिस्तीन में पूरी तरह से जुल्म कर रहा है तो ये दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया था कतर के तरफ से अगली खबर दोस्तों हमारे साथ ही बहुत ही बड़ी ख़बर है भाइयों बता दूँ आपको कतर के बहुत से रेसिडेंसी लोग ऐसे होल्डर ऐसे हैं जो कि गाजा में जाकर वहाँ पर फंसे हुए हैं तो उन लोगों को लाने की दोस्तों मुहिम वहाँ पर चलाई जा रही थी तो, तो लगभग वहाँ पर बीस रेसिडेंट्स कतर को वहाँ पर कतर में लाया गया दोहा में लाया गया तो यदि आपका भी कोई जानने वाला पहचानने वाला फंसा हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना है बस आपको वैलिड पासपोर्ट का आपको कॉपी देना है वैलिड पर्सनल आई की कॉपी देना है अप, अपने फैमिली मेम्बर का कॉन्टैक्ट नंबर देना है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना जो कि रेसिडेंस स्टक गाज़ा में हो और आपको मोफा डॉट ई वी ई वी आर ई क्यू एट दी रेट मोफा डॉट जी ओ वी डॉट क्यू ए के ऑफिशियल वेबसाइट पर ई मेल आई डी पर आपको मेल कर देना आपको दोस्तों लाने का वहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा तो लगभग अब तक वहाँ पर बीस से ज़्यादा रेजिडेंट्स को लाया जा चुका है और जो भी बचे हैं उनको लाए की मुहिम चलाई जा रही है अगली खबर दोस्तों हमारे साथियों कतर की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि उनचालीस फिलिस्तीनी प्रिजनर को छोड़ा जाएगा जो कि इसराइल के जेल में बंद है साथियों लगातार कतर की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि जो उनचालीस बहुत सारे वहाँ पर जो जेल में बंद है जो बेगुना है बेकसूर है फिलिस्तीन के आवाम को छोड़ा जाए तो लगभग उनचालीस लोगों को छोड़ने की दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है जिनमें से चौबीस महिलाएँ हैं पंद्रह उसमें टीनेजर है यानी पंद्रह टीनेजर मतलब दोस्तों यंग लड़के हैं तो उसमें चौबीस महिलाएँ हैं तो सभी को छोड़ा जाने का अनाउंसमेंट किया गया है इसराइल के तरफ से तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया मिलता हूँ साथियों स्टूडियो पे हिंद टेक केयर